शकुनी महाराज अपने नए चेले भोलू को उसके घर से अपने आश्रम लेकर आ रहे थे। रात हो चुकी थी और जंगल का मामला था। जंगली जानवर और डाकुओं के डर से गुरु शकुनी महाराज ने अपने चेले से बोला, कोई घर दिखाई दे तो बताना, आज रात विश्राम करके कल सुबह आश्रम के लिए निकलेंगे। चेला बोला, गुरुजी आश्रम तो बस आने ही वाला है, कुछ देर और चलेंगे तो आश्रम आ जाएगा। गुरु शकुनी बोले, जैसा बोलता हूं वैसा करो। बेचारा चेला करता भी क्या, गुरु की बात तो माननी ही थी। कुछ दूर चलने के बाद 3-4 घर दिखाई दिए। गुरु अपने चेले के साथ एक घर की तरफ बढ़े। चेले ने घर का दरवाजा खटखटाया, घर के मालिक ने दरवाजा खोला। गुरु ने घर के मालिक से बोला, मैं गुरु शकुनी महाराज हूं और मुझे अपने आश्रम जाना है। रात बहुत हो गई है और घना जंगल भी है, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? सुबह चला जाऊंगा। घर मालिक ने गुरु का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और रात बिताने के लिए हाँ बोल दी। गुरु शकुनी अपने चेले के साथ घर के अंदर आ गए। गुरु ने ठीक से घर को देखा, लेकिन घर में ज्यादा कुछ था नहीं। तब गुरु शकुनी ने घर के मालिक से पूछा, तुम्हारा घर तो खाली पड़ा है, तुम क्या काम करते हो? घर मालिक बोला, वैसे तो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गए थे, पर धीरे धीरे सब खत्म हो गया। खेती की जमीन है, पर वहां कुछ समय से खेती नहीं हुई, इसलिए जमीन बंजर हो गई है। अब एक भैंस बची है, वही मेरा आखिरी सहारा है। भैंस का दूध लेने कोई आता है तो दे देता हूँ और किसी तरह मेरा गुजारा हो जाता है। घर के मालिक की बात सुनकर गुरु शकुनी सोने चले गए, लेकिन सुबह होने से पहले ही उठ गए और अपने चेले के साथ उस भैंस को देखने चले गए जो इस घर के मालिक की आखिरी उम्मीद थी। भैंस बहुत अच्छी थी। गुरु शकुनी ने अपने चेले से बोला, इसकी भैंस को हम आश्रम लेके चलते हैं। भोलू ने अपने गुरु शकुनी से बोला, आप कैसे गुरु हो? जिस इंसान ने हमें रात में अपने घर में रुकने की जगह दी, उसी की भैंस चोरी करना क्या ठीक होगा? गुरु शकुनी ने बोला, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा करो, क्या ठीक है क्या नहीं ये मैं जानता हूँ। चेले को गुरु की बात ठीक नहीं लगी, पर कर भी क्या सकता था। भोलू ने भैंस खोली और गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा। गुरु के इस काम से भोलू दुखी था, उसको अपने गुरु से ऐसी उम्मीद नहीं थी। समय गुजरता गया और भोलू बड़ा हो गया, लेकिन भोलू भैंस चोरी वाली उस बात को कभी भुला नहीं पाया। गुरु की मृत्यु के बाद भोलू ने उस आदमी से मिलके क्षमा मांगने का निश्चय किया जिसकी भैंस उसका गुरु चुरा लाया था, और अगले दिन भोलू उस आदमी से मिलने उसके गांव के लिए चल पड़ा। जिस छोटे से घर में गुरु चेले ने रात गुजारी थी, वहां पे एक आलीशान घर देखकर चेला आश्चर्यचकित हो गया। भोलू उस आदमी से मिला, अपना परिचय दिया और सालों पहले उसकी भैंस की चोरी के लिए अपने गुरु शकुनी की तरफ से माफी मांगी। भोलू की बात सुनकर उस आदमी ने भोलू से बोला कि मुझे दुख है, आप अपने गुरु को समझ नहीं पाए। आपके गुरु ने वो भैंस चोरी के लिए नहीं चुराई, वो यहां से भैंस लेके गए। मेरे माता पिता का जो कुछ भी था वो तो सब मैंने खत्म कर दिया था, एक भैंस के सहारे कब तक जी सकता था। मेरी भैंस के ना होने पर मुझे मजबूरन खेती शुरू करना पड़ा। जब पहली बार मेरी मेहनत से खेत में अनाज हुआ, उसको देखकर मुझे और अधिक परिश्रम करने की इच्छा हुई। धीरे धीरे सारी बंजर पड़ी जमीन पे फसल लहराने लगी और देखते ही देखते मैं गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके गुरु शकुनी जी महाराज के कारण हूँ। भोला ये सब सुनकर अपने आश्रम के लिए चल पड़ा। भोला को आज अपने गुरु शकुनी जी महाराज पर गर्व था।